तो गाइस अगर आप भी सिर्फ एक क्लिक में अपनी एंड्रॉइड की वीडियो को आईफोन 50 प्रो मैक्स की तरह बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इसकी सबसे नई और सबसे सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी नॉर्मल सी वीडियो को आईफोन जैसा बना सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, इसके लिए आपको VN ऐप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और गाइस आपको सबसे नया तरीका बताने वाला हूँ और आपको नई सीक्रेट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सो गाइस आपको VN ऐप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और गाइस आपको VN ऐप डाउनलोड कैसे करना है वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे सबको आगे बता दूंगा, ठीक है। देन आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाला आपको क्लिक करना है। और गाइस आपका सब बिल्कुल नॉर्मल से एक वीडियो चूज कर लेना जिसको आप आईफोन जैसे बनाना चाहते हो। सो गाइस मैं ऐसी वीडियो चूज कर लेता हूं। देन आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस आप यहां पे देख तो गाइस अभी बिल्कुल नॉर्मल से वीडियो है। अब गाइस आपका इसमें आईफोन के कलर कैसे ऐड करना है, गाइस आपको भी चमक कैसे ऐड करनी है और आपको वीडियो को स्मूथ कैसे करना है, गाइस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। सो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको लास्ट में जाना है, व्हाइट आउट पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको अभी डिलीट कर देना है, ठीक है। देन गाइस आपको अभी इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और सबसे पहले आपको इरेज वाले फिल्टर ऐड कर लेना है। सो गाइस आपको अभी ऐड वाला ऑप्शन क्लिक करना है और आपको अभी ओके वाला ऑप्शन क्लिक करना है। देन आपको फाइल वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपको सबने फाइल के अंदर जाके गाइस आपको अभी डाउनलोड वाले फाइल के अंदर क्लिक करना है गाइस इस वाले के, ठीक है। और गाइस मैं आपको एक इरेज वाले फिल्टर देने वाला हूं गाइस जिसमें आईफोन 15 प्रो मैक्स के सारे कलर है, ठीक है। तो गाइस आपको अभी इसी वाले फोल्डर के अंदर देखने के लिए मिलेगा और गाइस वो आपको डाउनलोड कैसे करना है गाइस वो भी आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी कट मत करना। सो गाइस आपको नीचे की साइड आना है और गाइस आपको देखने के लिए मिला होगा इरेज प्रीसेट, ठीक है। गाइस यहां पे आईफोन 50 प्रो मैक्स का फिल्टर है। सो गाइस आपको इस पे क्लिक करके रखना है। देन आपको भी सिलेक्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है और गाइस आपको यूज्ड फिल्टर्स गाइस आपको इस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। और गाइस देखो जब आप यहां पे फिल्टर को ऐड करोगे तो गाइस आपके सामने यहां पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। तो देखो वो वाली प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है वीडियो में आगे आपको उसकी भी सीक्रेट ट्रिक बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको इस वाले फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप आईफोन का फिल्टर है आप यहां पे देख सकते हो गाइस बिफोर है और यहां पे आफ्टर। सो सभी क्या करना है, आपको वीडियो को स्मूथ करना है, जैसे आपको कलर भी ऐड करने हैं, ठीक है। और जैसे आपको चमक कैसे ऐड करना है उसकी भी आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो पहले आपको इसको 100 कर लेना है। देन आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आपको पहले एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करना है, सो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अपने वीडियो के हिसाब से भी करना है। देन आपको कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करना है, जैसे आपको इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है। सो फिलहाल यहाँ पे से इतना करेंगे। देन आपको पे आगे की तरफ जाना है, जैसे आपको पे वाइब्रेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो जैसे आप यहाँ पे जितना ज्यादा इसे आगे की तरफ बढ़ाओगे वैसे आप उतनी ज्यादा आपकी वीडियो में कलर्स ऐड हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बस आपको पे इसे 10 के अराउंड कर लेना है, ठीक है। सो फिलहाल मैं आपसे इतना कर लेता हूं। देन आपको टेम्परेचर पे क्लिक करना है, जैसे आपको टेम्परेचर को बिल्कुल हल्का सा बढ़ाना है। सो यहाँ पे से 50 के अराउंड कर लेते हैं। देन आपको HSL वाले टूल पे क्लिक करना है और गाइस देखो आप यहाँ पे पहले इस वाले कलर पे क्लिक करना है, जैसे आपका इसकी लाइटिंग को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है। सो गाइस ऐसे आपका जो फेस होगा थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। देन आपको साइड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, जैसे आपको साइड को बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना है और यहाँ पे वीडियो में चमक भी एड हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे 40 के अराउंड कर लेता हूँ। देन आपको राइट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सो गाइस आप बिफोर है, गाइस आप बिफोर आप यहाँ पे देख दो गाइस आप कितना ज्यादा बेकार है और गाइस आप आफ्टर, गाइस आप बिफोर है और यहाँ पे आफ्टर है, जैसे आप यहाँ पे देख दो यहाँ पे कितना ज्यादा फर्क आ चुका है। और आप यहाँ पे वीडियो को भी चला के देख सकते हो, गाइस आप बिल्कुल आईफोन की तरह वीडियो हो चुका है। देन आपका भी वाला ऑप्शन क्लिक करना है, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है, जैसे ऑटोमेटिक ये वाली वीडियो गैलेंसी हो जाएगी। और गाइस आप में जिस इरेज फिल्टर का यूज किया है तो गाइस इसकी लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे एक क्लिक में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। और अगर आप अपनी किसी फोटो को आईफोन जैसा बनाना चाहते हो तो बस राइट वाली वीडियो में क्लिक करो, जल्द से देखो।